एक समय की बात है, कलिंग राज्य को विष्णु वर्मा नाम के राजा पालन करते थे। वो महाराज हर एक साल अपनी राजधानी में युद्ध कौशल की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते थे, जिसमें उस देश के बहुत सारे नौजवान भाग लेते थे। इस साल महाराज के आदेश से निर्वाह करने वाले सारे प्रतियोगिताओं में जीतने वाले पटाभी को महाराज अभी हाथों से पुरस्कार प्रदान करेंगे। अब देखा, पहले जो महाराज के आदेश से होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लूंगा बोला तो हमारे गांव वाले मुझे देखकर हंस रहे थे। अब देखो, विजेता बनकर मैंने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। ऊपर से मेरी गरीबी भी हट गई, क्योंकि बहुत सारा धन इनाम के रूप में मिला है मुझे। अब मैं इस धन से सुकून से जीऊंगा। तुम जीत जाओगे ये तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, मगर ये बात जान के हमें युद्ध कला सिखाने वाले गुरुजी बहुत खुश होंगे आज, ऐसा मुझे लग रहा है। हमारे गांव में सभी लोग तुझे बहुत सारी इज्जत देंगे। गुरुजी ने सारे शिष्यों के साथ मुझे भी सिखाया, मैं तो खुद ही अपनी प्रतिभा से इस प्रतियोगिता में जीत गया हूँ। दोस्त, इतना घमंड शोभा नहीं देता, याद रखना तुझे शिक्षा देने वाले गुरुजी के पास जाकर तुम्हारे जीत के बारे में उनको बताना तुम्हारा फर्ज बनता है। और एक बात सुनो, एक बार हमारे गुरुजी के पास हमें चलना चाहिए। तुम इतना जोर दे रहे हो तो मेरा भी जाने का मन कर रहा है, मगर पहले घर जाके बाद में वहाँ जाएंगे। यहाँ इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करके हम कुछ खा लेते हैं। वहाँ देखो, उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल लगे हैं, मैं जाकर तोड़ कर आता हूँ, तुम यहीं रहना, फिर हम खाकर निकलेंगे। अब बेड पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रुको मैं अभी एक धनुष बनाता हूँ, फलों को बाण से नीचे गिराऊंगा, तुम पेड़ के नीचे खड़े होकर उन्हें पकड़ लेना। इसके बाद वो एक धनुष बनाकर उस बाण से पेड़ पर वार करता है। शाबाश, तुम तो बहुत अच्छे निशानीबाजी हो, बाण चलाने में तुमसे माहिर और कोई नहीं है। इतने बहुत है, जितने चाहिए थे उतने फल गिर चुके हैं, उन फलों से हमारी भूख मिट जाएगी। चलो उस पेड़ के नीचे बैठकर खाते हैं हम लोग। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठकर फल खाने लगते हैं। इतने में एक बूढ़ा आदमी अपने कंधे पर 3 पेटियों को लादकर आता है। देखो देखो, वो बूढ़ा आदमी उन लकड़ियों के बोझ से कितना कष्ट पा रहा है बेचारा। अभी पता नहीं उनको कितनी दूर तक सफर करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारा फल है, कुछ उनको दे दे। हाँ हाँ, समझ गया मैं। ठीक है, उन बूढ़े आदमी को जाके थोड़ी देर आराम करने के लिए बोल दो, तुम ये फल भी दे देना। बाबा जी, लगता है आप बहुत थक गए हो, थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खा लीजिए, चलिए। हाँ बेटा, इन पेटियों को उठा के इतनी दूर तक आने के लिए मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, चलो थोड़ी देर तक आराम करके जाऊंगा अब तो। लो बाबा जी, ये फल खा लीजिए, कुछ ताकत आ जाएगी। वैसे पूछ रहा था, कहाँ जा रहे हो आप? एक जरूरी काम पे जा रहा हूँ बेटा, आप लोगों को बता नहीं सकूंगा। इन पेटियों में इतना बड़ा राज छुपा है कि दादा। ठीक है, अब हम जा रहे हैं, ये लो कुछ खा लो, यहाँ पे थोड़ा आराम करके फिर आप अपने रास्ते चले जाना, ठीक है? हम लोग पूरब की दिशा में जा रहे हैं। मैंने तो बहुत आराम कर लिया है बेटा, अब मैं भी आप लोगों के साथ आगे जाऊंगा। हाँ, मुझे भी पूरब की दिशा में ही जाना है बेटा, आप लोग जरा इन 3 पेटियों को थोड़ा मेरे कंधे पे रख दोगे क्या? अरे बाप रे, इन पेटियों में कितना वजन है, इतनी दूर से आप अकेले इन 3 पेटियों को उठाकर लाए हो, आप तो बहुत बलवान हो दादा। जी हाँ बेटा, मुझे अभी कंधे में जोर से दर्द भी हो रहा है, मुझे तुम लोगों की सहायता चाहिए। इनमें से एक पेटी आप दोनों में से कोई एक उठा ले सकेंगे क्या बेटा? तुम लोग ये काम मुफ्त में मत करना बेटा, मैं तुम लोगों को 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, क्या बोलते हो? हमें आपके पैसों की परवाह नहीं है, मगर आप एक बूढ़े आदमी होके इतना वजन उठा के चल रहे हैं, इसलिए हम आपकी सहायता कर देंगे। लाइए, मैं एक पेटी को उठा ले चलता हूँ, ठीक है? वेंकट एक पेटी को उठाकर पट्टाभी के कंधे पर रख देता है। ऐसे पेटी को उठाकर कुछ दूर चलने के बाद, अच्छा दादा, इस पेटी में है क्या? इतना वजन कैसे है? अगर आपको हम पे यकीन है तभी बताना, नहीं तो नहीं बताना। दिखने में तो तुम लोग बहुत ही भोले भाले लग रहे हो, तुम लोगों को बताने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तुमने जिस पेटी को उठाया है ना, उसमें 50,000 तांबे के सिक्के हैं। बाप रे, 50,000 तांबे के सिक्के! इतने मूल्यवान धन को किसी के सहायता के बिना अकेले कैसे ले जा रहे हो आप? किसी रिश्तेदार को साथ में लाना चाहिए ना ऐसे काम के लिए। इस दुनिया में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है बेटा, मैं तो अकेला हूँ, कोई भी काम हो मुझे अकेले ही करना पड़ता है, इसीलिए। हाँ ये तो अच्छी बात है, मगर मुझे तो दिखने में 60 साल के ऊपर ही लग रहे हो आप बाबा, इतना सारा धन ले जाकर क्या करोगे? इसकी बहुत बड़ी कहानी है बेटा, एन वक्त पर मैं तुम लोगों को सब बता दूंगा। बाप रे, अब इस तालाब को पार करके भी जाना है, और यहाँ पर तो मुझे आसपास कोई नाव भी नहीं दिख रही है। जी हाँ बेटा, मैं तो इतना वजन उठा के इस तालाब को पार नहीं कर सकूंगा, आप लोगों को मेरी एक और सहायता करनी है, चाहे तो मैं
तुम लोगों को 20 और स्वर्ण मुद्राएं बदले में दे दूंगा। इन दोनों पेटियों में से एक पेटी को और उठाना पड़ेगा आपको। उसमें क्या है, मैं तो कब से खाली चल रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं सहायता करूंगा, लाइए मुझे दीजिए एक पेटी। इस तरह वो बूढ़ा एक और पेटी को वेंकट को दे देता है। इतना वजन है इस पेटी में, आखिर क्या है इसमें बाबा? इसमें तो 50,000 रजत मुद्राएं हैं बेटा। इनको मुझे वहां पे सही सलामत पहुंचाना होगा, इनकी जिम्मेदारी मेरी है। बाप रे, तांबे के इतने सारे सिक्के तो समझे थे, ये इतनी सारी रजत मुद्राएं क्या है? इतने सारे मूल्यवान धन को आप अकेले कैसे ले जा सकते हो? मुझे तो बहुत प्यास लगी है, यहाँ पे इन पेटियों को उतार कर पानी पी लें क्या? मुझे भी बहुत प्यास लगी है, यहाँ तालाब का पानी पी लेंगे। बाबा आप भी थोड़ा रुक के हमारे साथ आराम कर लीजिए और पानी भी पी लीजिए, क्योंकि अभी हमें बहुत दूर तक जाना है। वो बूढ़ा उस पेटी को रख कर तालाब में पानी पीने के लिए चला जाता है। देखना वेंकट, इन दोनों पेटियों में से एक में तो बहुत सारे रजत के सिक्के और दूसरी पेटी में बहुत सारे तांबे के सिक्के हैं। यानी कि जो पेटी उस बूढ़े के पास है उसमें जरूर सोने के सिक्के ही होंगे। हो सकता है, उतने मूल्यवान धन को अकेले ले जाना इस बूढ़े के लिए तो असंभव है। बीच रास्ते में कोई चोर अटका के सारा धन लूट लेगा इनसे, तब ये बूढ़ा आदमी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा। मैं तो तुझे वही बोलने जा रहा था, लेकिन उस तीसरी पेटी में सोने के सिक्के हैं ये पता चला तो हम लोग इन तीनों पेटियों को लूट के चले जाएंगे। अगर हम ऐसा कर सकेंगे तो जिंदगी भर इस दौलत से सुकून से आराम से बैठकर जी सकते हैं अपने गांव में। अरे उस बाबा ने तो हम पर इतना भरोसा किया है, उनको धोखा देना अच्छी बात नहीं है रे। देखना, ऐसा सुनहरा मौका हमें जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा। अगर ऐसे मिले हुए मौके का हमने फायदा नहीं उठाया ना, तो हमेशा ऐसे ही गरीब बनकर रह जाएंगे हम। एक बार सोच के देखो बेटा, अभी सफर शुरू करें क्या बेटा? हमें यहाँ से निकल के बहुत ज्यादा दूर तक जाना है बेटा। हाँ आ रहे हैं बाबा। सोच वेकेंट, अगर वो बूढ़ा चला गया तो हम बाद में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वो सब बाद में सोचेंगे रे, पहले चलो। अगर उस पेटी में सोना भी होगा तो हमें क्या करना है उसे? बाबा तुम उस पेटी को उठाते उठाते लगता है बहुत थक गए हो। एक काम करो, पूरा मिला के हमें 50 स्वर्ण मुद्राएं दे देना और कुछ नहीं, तीसरी पेटी भी हम ही उठा लेंगे। कितने अच्छे आदमी हो बेटा तुम, मुझे तो 50 स्वर्ण मुद्राएं देने में कोई एतराज नहीं है। इस पेटी को भी तुम ही उठाकर चल लेना बेटा, मैं तो तुम लोगों को बोलने वाला था लेकिन तुमने बोल दिया। तुम लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस तरह पट्टा भी दो पेटियों को उठाकर चलने लगता है। चलते चलते शाम हो जाती है। अरे बाबा अब तो रात होने वाली है। बाबा अब आपको यहाँ से कितना दूर जाना है? बेटा मुझे तो विंध्य नगरी में पड़ने वाले बंदरगाह तक जाना है बेटा। हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, लेकिन बाबा आपको तो पता है ना कि वो यहाँ से कितना दूर है। इतनी रात को इस जंगल में सफर करना कोई अच्छी बात नहीं है। क्या करेंगे अब हम? और क्या करेंगे बेटा, रात होने तक सफर को जारी रखेंगे और क्या करेंगे। उसके बाद कहीं पे रुक कर थोड़ा आराम कर लेंगे और सुबह होने पर फिर से सफर शुरू कर लेंगे। आप लोग भी बंदरगाह तक साथ में आने के लिए बोल रहे हो ना, सब मिलके साथ में ही जाएंगे। ऐसे कुछ दूर चलने के बाद अंधेरा हो जाता है। मुझे लगता है कि इतनी रात को आगे चलना ठीक नहीं होगा बाबा, ये जगह तो आराम करने के लिए सही लग रही है मुझे। रात को यहाँ पे हम रुक जाते हैं, आराम करके सुबह आगे जाएंगे। हाँ हम लोग यहीं पे आराम कर लेते हैं बेटा, इन पेटियों को धीरे से यहाँ पे रख दो बेटा, ठीक है? हाँ बाबा, मगर ये तीसरी पेटी में वजन बहुत ज़्यादा है, इसमें क्या है? इस तीसरी पेटी में 50,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई है बेटा। तुम लोगों की सहायता से ही मैं इन पेटियों को यहाँ तक ला सका हूँ बेटा, नहीं तो मैं बीच रास्ते में ही कहीं रुक जाता शायद। मैं आप लोगों का बहुत बड़ा आभारी हूँ। अरे इसमें क्या है बाबा, ये लो ये फल खा के आप थोड़ा आराम कर लीजिए और यहाँ पे बैठ जाइए। हम दोनों तालाब तक जाके उसमें से थोड़ी मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मुझे भी मछली की सब्जी बहुत पसंद है, जाके लेके आ जाओ बेटा। उस बूढ़े को वहाँ पर बैठा कर वो दोनों तालाब के पास जाते हैं। देखा तुमने, मैंने तो पहले ही बोला था कि स्वर्ण मुद्राएं हैं तीसरी पेटी में, ये बात सच निकली। अब बताओ क्या करें, ऐसा सुनहरा मौका बाद में नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन वो इतना भरोसा करके बूढ़ा आदमी हमारे साथ इतनी दूर तक आया है, मुझे सही नहीं लग रहा है। देखो सोच के कुछ फायदा नहीं है, इस बूढ़े बाबा के सोने के बाद हम लोग उन तीनों पेटियों को लेकर भाग जाएंगे, ठीक है? इस बूढ़े आदमी के साथ चलते हुए हमें किसी ने देखा भी नहीं है, अगर वो बूढ़ा नींद से जाग भी गया तो वो हम लोगों से लड़ भी नहीं पाएगा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा सुनहरा मौका फिर से नहीं आएगा। हाँ ठीक है, हम वैसा ही करेंगे,
पहले खाने के लिए मछली तो पकड़ लेते हैं, उनको मछली बहुत पसंद है ये बोला था उन्होंने। हाँ अभी तुम सही रास्ते पर आए हो, ठीक है चलो। उस मछली को पका कर एक हिस्सा उस बूढ़े को देते हैं और सब खाते हैं। बेटा इन तीनों पेटियों का अच्छा ख्याल रखना आप दोनों, मैं तो सुबह से सफर करते करते बहुत थक गया हूँ बेटा, थोड़ी देर में सो जाता हूँ। हाँ फिर सुबह उठ के हम आगे का सफर तय कर लेंगे, ठीक है। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए बाबा, हम लोग पूरी तरह से उनकी हिफाजत करेंगे, आप आराम से सो जाइए। आप जैसे भले लोग रास्ते में मुझे मिल गए, ये मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य है। अरे वेंकट वो बूढ़ा अब गहरी नींद में सो गया है, चलो अब हमारा काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है मैं तो एक ही पेटी उठा पाऊंगा, बाकी की दो पेटियां तुम्हें उठानी पड़ेगी। बाप रे इसमें कितना वजन है, वो बूढ़ा तो बहुत ही शक्तिशाली था, इन तीनों पेटियों को अकेले एक साथ कंधे पर उठाकर चलना कोई आसान काम नहीं है वेकंठ। सही कहा, बहुत वजन है इनमें। कुछ दूर सफर तय करने के बाद अरे देख हमारे गांव के नजदीक आ गए हम, अब इन पेटियों को उतार कर इन पेटियों के सिक्कों को दो भागों में बांट कर अपना हिस्सा अपने घर ले जाएंगे यहाँ से, अगर फिर सुबह हो गई तो कोई आकर देख लेगा। जी हाँ वैसा ही करेंगे, पहले इनको खोल तो लें। अरे बाप रे ये क्या देख रहा हूँ, क्या ये? अरे इसमें तो पूरे पत्थर भरे हुए, ठहरो मेरे पास जो पेटियों से खोल के देखता हूँ। हाँ इसमें तो सारे पत्थर और कंकर भरे हुए, हमने अब तक पत्थरों का वजन उठाया था। वो बुढ़ा तो बिल्कुल ही पागल लग रहा था, इतने भारी पत्थरों को आखिर जंगल में उठाकर कौन चलता है। वो पागल नहीं अरे उसने हम लोगों को पागल बनाया, इतना बड़ा चकमा देखे गया हमें, चलो उस बूढ़े को सबक सिखाते हैं। वो दोनों वापस उस बूढ़े के पास जाते हैं लेकिन वहाँ पर उसे वो नहीं दिखता। कितना बड़ा धोखा दिया उस बूढ़े ने, उससे पहले ही पता था कि हम लोग उसके सामान की चोरी करने वाले हैं। हमें उल्लू बना के वो बूढ़ा कहीं चला गया, अब इस जंगल में हम उसे कहाँ ढूंढने बैठेंगे, चलो घर चलते हैं। वो दोनों अपने घर पहुँच जाते हैं, इस तरह एक साल बीत जाता है। सुनो 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 सारी प्रजा कान खोल के सुनो, हर साल की तरह इस साल भी महाराज ने आदेश दिए हैं कि इस साल भी राजधानी में बड़े मैदान में युद्ध कलाएं और खेल के प्रतियोगिता होंगे, जिस किसी युवक को भी दिलचस्पी है वो आकर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। याद रखना इसमें भाग लेने वाले युवान के उम्र में 25 साल से बढ़कर नहीं होना चाहिए। सुनो 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 इस घोषणा को सुनकर बहुत से युवक उस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, पहले की तरह इस साल भी पट्टा भी उन प्रतियोगिता में भाग लेता है। शिवा नाम का एक युवक सभी प्रतियोगिता में उसे बराबर का टक्कर देता है। शाबाश शिवा शाबाश, आप दोनों का धैर्य और साहस बहुत अच्छा है, यहाँ से आप लोगों को 3 प्रतियोगिताओं में भाग लेना पड़ेगा। पहला है आप दोनों को कुश्ती लड़नी है और उसके बाद तलवारबाजी में भाग लेना पड़ेगा, और विजेता को मेरे साथ धनुर्विद्या की प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। ये क्या, पिछली बार तो तलवारबाजी नहीं थी लेकिन इस बार तलवारबाजी क्यों है, क्या वजह हो सकती है? कितनी भी प्रतियोगिताएं हो जाएं आखिर में जीतने वाले तो तुम ही हो मेरे दोस्त, धैर्य से लड़ना। अब पट्टाभी और शिवा दोनों में कुश्ती होती है, दोनों दो हाथियों जैसे एक दूसरे से लड़ते हैं। कहां से आया है रे तू, मेरी बराबरी करेगा? तू क्या सिखाएगा, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। शिवा चालाकी से पट्टाभी को गिरा देता है, पट्टाभी गुस्सा होकर कहता है तो फिर मेरा वार देख तू। पट्टाभी वार करने की कोशिश करता है लेकिन शिवा चालाकी से पीछे हट जाता है और उस पर वार करता है। अब लड़ना बंद करो, इस कुश्ती में हम शिवा को विजेता घोषित करते हैं, कुछ देर के बाद इन दोनों को तलवारबाजी में लड़ना होगा अपनी फुर्ती दिखाते हुए, है ना? थोड़ी देर विराम करने के बाद उन दोनों के बीच तलवारबाजी होती है। कुछ देर लड़ने के बाद तुमको जिन्होंने सिखाया मैं उन्हीं गुरुजी से सिखाऊं, मेरा यहाँ आने का कोई उद्देश्य ही नहीं था मगर तुझे हराने के लिए मैं भाग ले रहा हूँ। मुझे हराने के लिए आया है क्या, मुझसे तेरी क्या दुश्मनी है बोल तू, मैंने तो तुझे पहले कभी नहीं देखा है। तुम तो पिछले साल के विजेता बने थे ना, कम से कम एक बार भी अपने गुरुजी से नहीं मिलने आए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, तुम्हें उस विजय प्राप्त करने के बाद गुरूर आ गया था ना, बस इसीलिए तुझे सबक सिखाने के लिए आया हूँ, देख मेरा वार। इस तरह शिवा तलवारबाजी में भी पट्टाभी को हरा देता है। शाबाश शिवा शाबाश, तुमने तो पिछली बार के विजेता के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, अब तुम दोनों प्रतियोगिता में जीत चुके हो बेटा, अब मेरे साथ
धनुर्विद्या प्रतियोगिता में भाग लेना। अब देखो, यहाँ दूर से तुम्हें वो लक्ष्य दिखाई दे रहा है ना सामने, उस लक्ष्य को सही साधने वाला ही विजेता होगा। तो क्या तुम तैयार हो शिवा? मैं तैयार हूँ महाराज, मगर आपसे लड़ने के लिए नहीं, अपनी विद्या को दिखाने का मेरा एक ही लक्ष्य है। तो ठीक है, प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। धनुर्विद्या के प्रतियोगिता में भी शिवा महाराज की बराबरी करता है और लक्ष्य को सही साध कर दिखाता है। शाबाश शिवा, शाबाश। इस साल की सारी प्रतियोगिताओं में मैं तुम्हें विजय घोषित करता हूँ। उस प्रतियोगिता को जीतने के बाद शिवा महाराज के दिए हुए उपहारों को लेकर अपने घर जाने लगता है। रास्ते में शिवा को एक बूढ़ा आदमी दिखता है, वो अपने कंधे पर 3 पेटियां उठाकर चलता दिखता है। ये क्या बाबा, इतनी कड़ी धूप में अकेले इतने बड़े बक्सों को उठाकर कहाँ जा रहे हैं आप? लाइए दीजिए, इनको मैं अपने कंधों पर उठा लेता हूँ। वो बूढ़ा पहले की ही तरह शिवा को भी वही बताता है कि इनमें रजत तांबे स्वर्ण मुद्राएं रखे हैं। पहले की ही तरह वो दोनों जंगल में एक जगह विश्राम करते हैं। वो बूढ़ा अपने मंजिल तक पहुंचने के बाद, आपकी मंजिल आ गई है, ये लीजिए आपकी पेटियां मैं यहाँ लगा रहा हूँ, सही सलामत से ले जाना। ये लो बेटा, तुम्हें मैंने 50 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए बोला था। देखिए बाबा, मैंने ये वजन इसलिए उठाया ताकि आपकी सहायता हो सके, ना कि किसी लालच में। लेकिन हाँ, इतनी मूल्यवान पेटियों को आप अकेले ले जा रहे हो, सावधान रहना। शाबाश बेटा शाबाश, तुम मुझे बहुत पसंद आए। मुझे कोई संतान नहीं है, इस राज्य के लिए सही वारिश को ढूंढने के लिए पिछले 5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा। सारे लोग मेरे पास जो धन है उसे लूटने के लिए स्वार्थ चिंतन को दिखाते आए हैं। सारे लोग मुझसे लाभ कमाने के लिए ही सोच रहे हैं, मगर तुम एक हो जो निस्वार्थ बुद्धि से भेष बदल कर आने पर मेरी सहायता की है। ऊपर से सारे प्रतियोगियों को हरा कर तुमने अपने आप को साबित कर दिया है बेटा। तो मेरा मतलब यह है कि इस राज्य के महाराज बनने का हक अब तुम्हारा बनता है। इस तरह शिवा महाराज के सारे परीक्षाओं में विजेता बनकर उस राज्य का महाराज बनता है। बाद में शिवा पट्टाभी को बुलाकर सारी बातें बता देता है। अपने करतूतों को याद करके पट्टाभी शोक में डूब जाता है।